हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जामिया एंट्रेंस के करंट अफेयर्स के आगे के सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करें। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स। अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स आते हैं तो इस वीडियो का PDF जो है हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हुआ चलूँ, अगर आप जामिया की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आपको मॉडल पेपर चाहिए तो इन कोर्सेज़ का मॉडल पेपर अवेलेबल है। BLLB, BBA, BCOM ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस, BA ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इस मॉडल पेपर को परचेज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू बिकम 100% पेपरलेस इन दिसंबर 2021। आपको ये बताना है वर्ल्ड की कौन सी कंट्री है, कौन सी गवर्नमेंट है जो 100% पेपरलेस हुई है इन दिसंबर 2021। ऑप्शन है मस्कत, तेहरान, रियाद एंड दुबई। तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, दुबई। दुबई जो है वो करेक्ट आंसर जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मिस यूनिवर्स 2021 टाइटल एट द 70th एडिशन ऑफ द मिस यूनिवर्स इन इलियट इसराइल टू बिकम द थर्ड इंडियन मिस यूनिवर्स। इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी लेडी हैं जो मिस यूनिवर्स 2021 का क्राउन का खिताब उनको मिला है। बेसिकली ऑप्शन है मनुषी चिल्लर, अनुकृति वास, मीनाक्षी चौधरी, हरनाथ संधू। तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 4, हरनाथ संधू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 एंड विन हिज फर्स्ट F1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप 2021। आपको ये बताना है कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किस F1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप 2021 में मिला है, किसको मिला है। ऑप्शन है यूकी सुनोडा, कार्लोस सेंस, लुइस हैमिल्टन एंड मैक्स वर्सटैपन। तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 4, मैक्स वर्सटैपन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड एज द पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बाय टाइम मैगजीन। आपको ये बताना है टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का टाइटल किस पर्सन को मिला है। ऑप्शन है जॉय बडन, जेफ बेजोस, एलन मस्क एंड मार्क जुकरबर्ग। तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 3, दैट इज एलन मस्क। एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का टाइटल टाइम मैगजीन के द्वारा दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ ट्विटर। आपको ये बताना है कि रिसेंटली न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्विटर का किसको अपॉइंट किया गया। ऑप्शन है पराग अग्रवाल, सत्यनारायण नदेला, रवि चौधरी एंड शंतानु नारायण। तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 1, द पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल जो है बेसिकली इनको रिसेंटली ट्विटर का न्यू CEO अपॉइंट किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन इन नवंबर 2021। अगर हम स्वीडन की बात करें तो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है स्वीडन की कौन बनी है। ऑप्शन है नजला बोडन, मैग्डालेना एंड्रेसन, काजा कल्लास एंड नतालिया गवरीलता। तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 2, मैग्डालेना एंडरसन। ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड फ्रॉम वर्ल्ड एथलेटिक्स। ऑप्शन है शैली सिंह, अंजू बॉबी, जॉर्ज, इलेन थॉम्सन एंड एंथिंग म्यू। तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 2, दैट इज अंजू बॉबी जॉर्ज। रैम प्रोग्राम विच वॉज अनाउंसड इन द यूनियन बजट एम्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर। आपको ये बताना है जो रैम प्रोग्राम जो है बेसिकली जो यूनियन बजट के द्वारा अनाउंस किया गया है ये किस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन है एग्रीकल्चर, MSME, टेक्सटाइल एंड कोल। तो करेक्ट आंसर दिया जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, MSME। ठीक है, MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इनॉग्रेटेड जिमिडन सी लॉक, वर्ल्ड लार्जेस्ट सी लॉक। आपको ये बताना है किस कंट्री ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा सी लॉक जो है वो इनॉग्रेट किया है। ऑप्शन है USA, द नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK। करेक्ट आंसर जाएगा द ऑप्शन बी, दैट इज नीदरलैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लोकेशन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। आपको ये बताना है इसके अंदर स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का लोकेशन क्या है। ऑप्शन है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, रशिया, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका।
तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका जो है बेसिकली आप कह सकते हैं स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी यानी SKO का लोकेशन कंसिडर किया गया है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज परम प्रावेगा विच हैज़ बीन इन द न्यूज रिसेंटली. आपको ये बताना है जो परम प्रावेगा है वो क्या है रिसेंटली इसके बारे में आपने न्यूज में देखा होगा. ऑप्शन है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सुपर कंप्यूटर सेमी कंडक्टर चिप एंड COVID-19 वैक्सीन. सो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी दैट इज सुपर कंप्यूटर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है पावल हेनरी संदागो दाम्बिका हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. आपको ये बताना है पावल हेनरी संदागो जो है वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं. ऑप्शन है बुर्किना फसो नाम्बिया जिम्बाब्वे एंड माली. तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ए दैट इज बुर्किना फसो. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर हैज बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जो है इसमें से किस कंट्री के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं. ऑप्शन है फ्रांस जर्मनी इटली ऑस्ट्रेलिया. करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी जर्मनी. जर्मनी के जो है बेसिकली प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं कौन फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है साकिबुल गनी हु वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स. आपको ये बता रहे हैं साकिबुल गनी जो है बेसिकली रिसेंटली न्यूज में ये रहे थे और ये किस स्पोर्ट्स को एसोसिएट करते हैं किस स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं. ऑप्शन है हॉकी क्रिकेट बैडमिंटन चेस. तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी क्रिकेट. तो ये क्रिकेट को बिलोंग करते हैं बिहार के हैं बेसिकली राइट. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश बाबू प्रगन्नाधा इज एसोसिएटेड विद विच गेम. रमेश बाबू प्रगन्नाधा जो है किस गेम से एसोसिएट करते हैं. ऑप्शन है चेस हॉकी सॉकर एंड क्रिकेट. तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ए चेस. रमेश बाबू प्रगन्नाधा जो है चेस से बिलोंग करते हैं. आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिमनेल आइलैंड स्नेक आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच सी ओशन. आपको ये बता रहे हैं जिमनेल आइलैंड जो है स्नेक आइलैंड रिसेंटली न्यूज़ में इसको देखा गया था और ये कहाँ किस ओशन या सी के अंदर लोकेट करता है. ऑप्शन है ब्लैक सी पैसिफिक ओशन मेडिटेरेनियन सी अटलांटिक ओशन. तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ए ब्लैक सी. जिमनेल आइलैंड जो है ब्लैक सी में स्थित है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 नरसिंह मेहता हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन. आपको ये बताना है जो नरसिंह मेहता है वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं. ऑप्शन है पेंटर पोएट बिजनेस पर्सन एंड स्पोर्ट्स पर्सन. तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी पोएट. वो कौन है एक पोएट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट एंड 225 निक नेम मारिया वाज ओन्ड बाय विच कंट्री. आपको बताना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट N225 जिसका निक नेम है मारिया वो किस कंट्री के द्वारा ओन किया गया है किस कंट्री को बिलोंग करता है. ऑप्शन है रशिया यूक्रेन USA एंड फ्रांस. तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी यूक्रेन. ये जो है बेसिकली यूक्रेन को बिलोंग करता है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलन क्रेटर द लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर ऑन अर्थ हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय विच कंट्री. आपको एलन क्रेटर के बारे में बताना है जो कि अर्थ का सबसे लार्जेस्ट क्रेटर है वो किस कंट्री में डिस्कवर हुआ है. ऑप्शन है रशिया चाइना ऑस्ट्रेलिया जापान. तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी चाइना. तो चाइना में जो है अर्थ का सबसे लार्जेस्ट क्रेटर की हम बात करें तो एलन जो है बेसिकली वो चाइना में डिस्कवर हुआ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यून सुक योल इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. आपको बताना है जो यून सुक योल है किस कंट्री के वो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं. ऑप्शन है सिंगापुर साउथ कोरिया ताइवान फिलीपींस. इसका करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी साउथ कोरिया. तो यून सुक योल जो है बेसिकली वो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं किस कंट्री के साउथ कोरिया के. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द हाइएस्ट रन स्कोरर इन T20 क्रिकेट. आपको ये बताना है इसमें कौन सा प्लेयर है जिसने T20 क्रिकेट के अंदर हाईएस्ट रन सबसे ज़्यादा रन बनाया है. ऑप्शन है विराट कोहली सुरेश रैना केन विलियमसन एंड रोहित शर्मा. तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन डी दैट इज रोहित शर्मा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है शाही लीची अर्नड GI टैग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट. शाही लीची जो है किस इंडियन स्टेट के द्वारा GI टैग उसको मिला है. ऑप्शन है बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड. तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ए बिहार. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेसिंग ड्राइवर वॉन द सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022. इसमें कौन सा रेसिंग ड्राइवर है जिसने सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है. ऑप्शन है मैक्स वेटरपन चार्ल्स लैक्रिक
लुइस हैमिल्टन, सेबास्टियन वेट्टल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज मैक्स वर्स्टैपेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। आपको ये बताना है वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है एवरी ईयर किस दिन को सेलिब्रेट करा जाता है। ऑप्शन है अप्रैल 6, अप्रैल 8, 10th अप्रैल एंड 12th अप्रैल। तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, 10th अप्रैल। यानी वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है बेसिकली आपका 10th अप्रैल को मनाया जाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चंस जामे में काफ़ी देखने को मिलता भी है, आप लोग इस पर ध्यान दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाय आउटब्रेक ऑफ हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। आपको बताना है किस कंट्री को हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा ने हिट किया था, काफ़ी ज़्यादा केसेस नज़र आ रहे थे इसके अंदर। ऑप्शन है इंडिया, यूएसए, चाइना, इंडोनेशिया। तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज़ यूएसए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर लेकर के आया था। आई होप आप इन क्वेश्चंस को करें, आपको इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जामिया एंट्रेंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई विश गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द फोर्थ कमिंग जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।